हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उजी पीआरडी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहले इस वीडियो में आपको बताऊं कि जो पुरानी थीम थी, क्लासिक स्टूडियो जिसे हम बोलते थे, वो अब बंद कर दी गई है यूट्यूब के द्वारा। अब जो नया थीम है उसको नाम दिया गया है न्यू स्टूडियो थीम। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जब भी हम पहले ओपन करते थे तो यूट्यूब स्टूडियो का यहाँ पर एक बटन दिखता था। यूट्यूब बटन स्टूडियो का मतलब होता था कि जब हम इसको ओपन करते थे तो हमको यहाँ पर पुरानी वाली क्लासिक स्टूडियो की थीम मिलती थी। अब वो क्लासिक स्टूडियो की थीम यहाँ बंद हो चुकी है। अगर हम उसको एक्सेस करना चाहते थे तो यहाँ पे एक साइड में नीचे बटन थी यहाँ पे, तो ये बटन भी अब नहीं है क्योंकि ये अपडेट हो गया है। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब जब आपका जो क्लासिक स्टूडियो है, जब उसको स्टॉप कर दिया गया है, उसके बाद क्या चेंजेस आए हैं, वो सारे चेंजेस को आप देखने वाले हैं। तो अगर आप यूट्यूबर हैं, और अगर ये वीडियो स्पेशली यूट्यूबर्स लोग के लिए है जो यूट्यूबिंग में काम करते हैं, जो नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए बेसिकली है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर अब नीचे कोई भी अपने पास बटन नहीं है। तो जो मैं इसका इंटरफेस है, जो सामने ये किस तरह से यूज़ करना है, अब इसको आपको मैं स्टेप बाई स्टेप पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ। तो आप इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ। आप नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि आने वाली वीडियोस में आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये डैशबोर्ड है। पहले डैशबोर्ड कुछ और था, बट अब डैशबोर्ड इस तरह से रहेगा। इस तरह का मतलब यहाँ पर आप समझिएगा कि अगर आपको अपलोड करना है तो यहाँ से आप ये जो बटन देख रहे हैं अपलोडिंग का, यहाँ से अपलोड होगा। यहाँ पर आप लाइव आ सकते हैं और यहाँ पर आप क्रिएट पोस्ट कर सकते हैं। अपलोड का मतलब क्या होता है कि आपको वीडियो अपलोड करना है, बट अभी जब आप अपलोड करेंगे वीडियोस को तो उसमें आपका एक फंक्शन रहेगा कि आप क्लासिक वे में आप अपलोड करना चाहते हैं। तो ये देखिए, अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ऊपर, अपलोड विथ क्लासिक। तो अभी यहाँ पे जो अपलोडिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लासिक अवेलेबल है, बट आने वाले फ्यूचर में मे बी इन टू वन मंथ और टू मंथ ये भी यहाँ पर से हट जाएगा। केवल आपको सिंपल सा यहाँ पर अपलोडिंग का ऑप्शन रहेगा, ये अपलोड विथ क्लासिक भी नहीं रहेगा। देन उसके बाद मैं आपको बताऊं, यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन है और यहाँ पे क्रिएट पोस्ट का है। गो लाइव का मतलब होता है अगर आप लाइव करना चाहते हैं, और अगर क्रिएट पोस्ट का मतलब होता है कि आप कुछ लिख कर अपने ऑडियंस तक पहुँचाना चाहते हैं। अब आता है नेक्स्ट चेंज, ये क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है यहाँ पर कि आप ये जो तीनों सिम ऑप्शन है ये यहाँ पर दिए हैं, ये तीनों, ठीक है। यहाँ पर आप हेल्प ले सकते हैं कहीं अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है, और यहाँ पर आपका अकाउंट रहेगा, ठीक है। अब आते हैं अपन लोग मेन कंटेंट पे। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड का मतलब होता है ये जो लेटेस्ट परफॉर्मेंस, जो आपने लेटेस्ट कंटेंट अपलोड किए हैं वो यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे कुछ न्यूज़ आएंगी जो कि यूट्यूब द्वारा आएंगी, जो कि वो कंपनी आपको यहाँ पे आपके स्क्रीन पे शो करेगी। आप चाहें तो देखें, चाहें तो नहीं देखें। यहाँ पे आपके एनालिटिक्स शो करेंगे, यहाँ पे एनालिटिक्स डैशबोर्ड रहेगा। यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट रहेंगी, और यहाँ पे वॉच न्यू स्टूडियोज़ रहेगा। वॉट्स न्यू स्टूडियोज़ मतलब आपकी चीज़ें, आपको और कुछ जानना है, बेहतर चीज़ जानना है कि जैसे कि कॉपीराइट मूव करने के लिए क्या है, कैसे कॉपीराइट होता है, मतलब सारा जो कंटेंट होता है इसके नॉलेज में वो चीज़ रहता है यहाँ पे, वो भी मैं आगे प्रोसीड करूँगा। यूट्यूब नो इशू, किस तरह की इशूज़ प्रॉब्लम आती हैं वो, आपके रिसेंट सब्सक्राइबर्स कितने हैं, और आइडिया फॉर यू, आप किस तरह से बेहतरीन कुछ कर सकते हैं। एक तरह से हम सीधा कहें तो चैनल डैशबोर्ड आपका यहाँ पे ये इंडिकेट करेगा कि आपकी जो भी चीज़ रिसेंटली की हैं वो आप सारी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। और डैशबोर्ड में आपका जो एनालिटिक्स चल रहा है, जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं, वो आपके रिसेंटली वे में आप उसको चेक कर सकते हैं। अब आती है बात वीडियोज़ की। वीडियोज़ का भी कुछ कंटेंट चेंज किया गया है। जैसे ही आप वीडियोज़ में क्लिक करेंगे, वीडियो से डैशबोर्ड के नीचे वाले ऑप्शन में, तो पहले एक सिस्टमेटिक वे में आता था कि एक के बाद एक, बट अब ये चेंज हो चुका है। जो वीडियो आप अपलोड करेंगे वो अपलोड्स में आएगी, और जो वीडियो आप लाइव करेंगे, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, वो बगल वाले ऑप्शन में आएगा लाइव में। तो देखिए, यहाँ पे लाइव मैंने किया काफ़ी सारा, तो लाइव में आ रहा है, और इसके बाद अपलोड किया है तो सारा अपलोड्स में आ रहे हैं। तो जो भी वीडियोस अपलोड्स में आ रही हैं वो आपके द्वारा अपलोड की गई होंगी, और लाइव मतलब आपके द्वारा लाइव की गई होगी। बट अब प्रॉब्लम क्या आती है इसमें कि पहला जैसा यहाँ पे इंटरफेस बिल्कुल भी नहीं है, पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। पहले अपन लोग पास डायरेक्ट ऑप्शन थे, अब डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब देखिए, जैसे कि हमने इस पर आके यहाँ पे माउस का रखा, कर्सर रखा, तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा, डिटेल, यहाँ पे आपका एनालिटिक्स शो करेगा, यहाँ पे आपको कमेंट शो करेंगे, और यहाँ पे आपको वीडियो देखना है यूट्यूब में वो शो करेगा, और यहाँ पे ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो एडिट और डिस्क्रिप्शन, गेट शेयरेबल लिंक आएगा, प्रमोट के लिए आएगा, डाउनलोड कर सकते हैं आप यहीं पर से। पहले डाउनलोड का ऑप्शन नहीं था, अब यहीं पर से आप इस वीडियो को भी डाउनलोड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नया देखने क्या मिला कि अपने को डाउनलोड का ऑप्शन दिया है, ठीक है। देन उसके बाद
अभी यहाँ पे फिल्टर के पास एक ये जो तीन तरह का यहाँ पे लाइनिंग दी गई है, यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो सामने जाएंगी जो कॉपीराइट जिसमें है। डिस्क्रिप्शंस आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शंस वाली, टाइटल करेंगे टाइटल, व्यूज़ में करेंगे तो व्यूज़, विजिबिलिटी करेंगे व्यूज़। यहाँ पर जो भी वीडियोज़ हैं वो इसके अकॉर्डिंग आएंगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को डिलीट करना, तो पहले सिस्टम डायरेक्ट था, अब चेंज हो गया। पहले हम क्या करते थे कि वहाँ पर हम क्लिक करते थे, पर अब हम इसमें टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एडिट में जाएंगे। तो एडिट में क्या अपने को करना है, ये सारे यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, ये देखिए। अब उसके बाद ऐड प्लेलिस्ट करना है तो ऐड प्लेलिस्ट में करना पड़ेगा। मोर एक्शंस में अगर आप जाएंगे तो डाउनलोड और डिलीट फॉरएवर, दो चीज़ का ऑप्शन आपको मिलेगा। देन उसके बाद आते हैं अब हम प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में क्या है कि वैसे ही है, प्लेलिस्ट को चेंज नहीं किया गया है। प्लेलिस्ट के जो सारे ऑप्शन है एज इट इज़ हैं, ये देखिए। जैसे मैंने 25 प्लेलिस्ट यहाँ पे है मेरी, ठीक है। आप भी चाहें तो बना सकते हैं। न्यू प्लेलिस्ट में क्लिक करना है और आपको यहाँ पर से प्लेलिस्ट बना लेना है, ठीक है। अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब आते हैं अपन लोग एनालिटिक्स की बात। एनालिटिक्स एज इट इज़ है, बट यह है कि स्टैंडर्ड है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स देखने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एनालिटिक्स किस तरह का आपका काम कर रहा है। एनालिटिक्स के लिए सिंपल सा वे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो साइड में ऑप्शन दिया लास्ट 28 डेज, लास्ट 7 डेज, तो मैंने ऐसे लास्ट 7 डेज क्लिक किए। तो यहाँ पर आप लास्ट 7 डेज क्लिक कर सकते हैं, चाहे तो आप ऑल लाइफ टाइम कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। रियल टाइम सारा चीज़ आपको यहाँ पर शो करेगा, आपका जो यहाँ पर ओवरव्यू है ये शो करेगा, रीचेस शो करेगा, 7 दिन के अंदर आपके कितने लोग रीच किए, इंगेजमेंट कितना हुआ, ऑडियंस कितने थे यहाँ पे और रेवेन्यू क्या हुआ, ठीक है। ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको शो करेगा। देन उसके बाद यहाँ पे आप किसकी रेटिंग शो करेगी, जो टॉप वीडियोज़ हैं जिसके व्यूज़ अच्छे काउंट हो रहे हैं वो वन बाय वन यहाँ पर शो करेंगे आपके, ठीक है। लेटेस्ट वीडियोज़ यहाँ पे शो करेगी जो लेटेस्ट आई है, ये आपके सारे एनालिटिक्स में आपका शो करेगा। आप चाहें तो वॉच टाइम आप देख सकते हैं, सब्सक्राइबर्स देख सकते हैं और एस्टिमेटेड रेवेन्यू देख सकते हैं। अब आती है बात कमेंट की। कमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं जो कि पहला जैसा इंटरफेस बिल्कुल भी नहीं है। कमेंट में अगर आपने यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया, आप जब स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का दिखाएगा, ओप समथिंग वेंट रॉन्ग। इसका मतलब ये है कि इसमें चेंजेस काफ़ी सारे देखने मिले हैं। इसमें थोड़ा सा इंटरफेस चेंज किया गया है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं साइड में सिंबल, तो सर्च करेंगे, तो सर्च करेंगे तो क्या सर्च करेंगे, तो पहली चीज़ ये कि जब आपके पास नॉलेज होगा तब आप सर्च करेंगे, आपको वीडियोस का नॉलेज होगा, उस वीडियो का नाम याद होगा। सेकंड चीज़ कंटेंट्स क्वेश्चन, अगर अब हम ऐसी चीज़ सर्च कर रहे हैं जो कंटेंट्स में क्वेश्चन हैं, तो ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं वो वीडियोज़ यहाँ पर शो करेंगे, वो कंटेंट यहाँ पर शो करेंगे, ये देखिए। तो जैसे कि यहाँ पर कमेंट्स थे जो वो मैं यहाँ पर सर्च हुए, अगर इसको आप काट दिए तो वो भी चला गया, ठीक है। पब्लिक सब्सक्राइबर, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पब्लिक सब्सक्राइबर के लिए, तो फिर पब्लिक सब्सक्राइबर्स आएंगे, ये देखिए, फिर भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। देन उसके बाद अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे चैनल मेंबर स्टेटस, तो चैनल मेंबर्स में कैसा चैनल मेंबर होना चाहिए या नॉट चैनल मेंबर होना चाहिए। अब जैसे कि अगर हम करते हैं रिस्पॉन्स स्टेटस, ठीक है, जिस पे हमने कमेंट नहीं किया है, तो हमने क्लिक किया और अप्लाई किया। जैसे ही हम क्लिक करके अप्लाई करेंगे तब यहाँ पे वो मैसेज खुलेंगे जिस पे हम रिप्लाई नहीं किए हैं। बट अभी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि पूरे तरह से वो भी काम नहीं कर रहा है। इस चीज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे देखने मिला, क्योंकि मैं इसके कमेंट जो यहाँ पे अपडेट किया गया है कमेंट का फॉर ये जो वे है, ये थोड़ा सा अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, इससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। और आपको भी शायद दिक्कत होगी आगे चल के, क्योंकि इसमें पूरी अभी कमेंट्स नहीं शो कर रहे हैं, ये कहीं से भी उठा के रख रहा है जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, सारे तरह के यहाँ पे नहीं हैं। अब हेल्ड ऑफ रिव्यू कोई भी नहीं है, लाइक स्पैम अभी कोई भी नहीं है, ठीक है। अब बात आती है सबटाइटल्स की। सबटाइटल्स के अपन लोग इसमें जाते हैं, ऑप्शंस में जाते हैं। सबटाइटल्स में आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे सारी वीडियोज़ को देखेंगे जो कुछ ड्राफ्ट में पड़े हैं, कुछ कम्युनिटी है और कुछ पब्लिश्ड है, ठीक है। तो जो भी पढ़े हैं ये सीरीज़ वायर सीरीज रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबटाइटल का उतना कुछ खास वो नहीं है, बट ये है कि नाम जो होता है आपका सबटाइटल्स जो आप रखना चाहते हैं साइड में, वो सारी वीडियोस हैं आपकी, ठीक है। मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन की बात करें तो मोनेटाइजेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आई है, क्योंकि मुझे लगा था कि जब ये चेंज होगा तो शायद कुछ पॉलिसीज चेंज हो, मगर अभी पॉलिसीज़ को चेंज नहीं किया गया है। पॉलिसीज़ एज इट इज़ हैं कि 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 वॉच आवर्स चाहिए, तब जाके आपका चैनल मोनेटाइज किया जाएगा। उसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस देखी जाएंगी, अगर वो फुलफिलमेंट करती हैं स्टिल, अगर आपके पास 1000 सब्सक्राइबर है और 4000 वॉच टाइम आवर्स है, अगर फिर भी उनकी टर्म एंड कंडीशंस फॉलो आउट नहीं हो रही है, तो भी आपका चैनल नहीं मोनेटाइज किया जाएगा।
अब आती है ऑडियो लाइब्रेरी की बात। ऑडियो लाइब्रेरी क्या कहलाता है वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर से आप फ्री म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि कभी आप देखेंगे जब बेसिकली आप वीडियोस बनाते हैं या वीडियो अपलोड करते हैं तो कॉपीराइट की प्रॉब्लम आ जाती है। वो क्यों आती है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसे गाने को आप अपने गाने फोल्डर्स में डालते हैं, अपनी वीडियोज़ में डालते हैं, जो कि क्या होता है रजिस्टर्ड होते हैं, और रजिस्टर्ड गानों को आप डालेंगे तो कॉपीराइट आएगा, कॉपीराइट क्लेम आएगा, आपकी वीडियो सस्पेंड की जाएगी, आपका चैनल सस्पेंड हो सकता है, आपकी वीडियो डिलीट की हो सकती है, और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए आप चाहें तो यहाँ पे फ्री म्यूज़िक का यहाँ पे लाइब्रेरी दिया है, आप यहाँ पे प्ले करके जो पसंद आए आप यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस सॉन्ग को अगर आप यूज़ करेंगे अपने वीडियोज़ में तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन था जो मैंने क्लियर आउट किया। अब बात आती है सेटिंग की। सेटिंग में आप आते हैं तो जनरल सेटिंग में आप अपनी जो करेंसी अर्न करते हैं वो किस फॉर्म में दिखना चाहिए। तो बेसिकली मैंने यूएस डॉलर रखी है, आप जो चाहें वो रख सकते हैं अपने मन से, ठीक है। सारी कंट्रीज़ का यहाँ पे करेंसीज दिया गया है। चैनल की बात आती है, चैनल में आप किस तरह का अपना नाम देना चाहते हैं कीवर्ड, ताकि लोग सर्च करें तो आप तक पहुँच पाएँ। एडवांस सेटिंग में आपके रहेंगे कुछ चीज़, चूँकि ये जो चैनल है आपके किड्स के लिए है या नहीं है। ब्रांडिंग के लिए आएगा, यहाँ पे आपको लोगो लगाना पड़ेगा अपना। फ्यूचर एलिजिबिलिटी के लिए ये अब मैं आपको बताऊंगा बाद में, क्योंकि अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है ये। अपलोडिंग डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को अपलोड करते हैं तो पहले से आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन हर चीज़ दिया रहे, आप उसको पहले से सेट करके सेव कर लीजिए। आपको सिर्फ ऊपर टाइटल देना पड़ेगा, टाइटल बस सेट मत कीजिएगा, वीडियो अपलोड कीजिए, टाइटल दीजिए, और आप क्या कर सकते हैं, आप हर चीज़ को एक बार में क्लिक करेंगे तो वैसे ही एज इट इज़ अपलोड हो जाएगा। बार बार वही अगर आपको 5, 10, 15 वीडियोज़ अपलोड करनी है तो बार बार दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर परमिशन, आप देखिए परमिशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप ब्रांड अकाउंट चला रहे हैं, जैसे कि अभी मैं ब्रांड अकाउंट चला रहा हूँ, मैं चाहूँ तो अपने से 50 लोग को जोड़ सकता हूँ, तो 50 लोग को जोड़ूंगा तो 50 लोग काम करेंगे मेरे चैनल पे। तो ये कब होता है इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से एक्चुअली आपको परमिशन, पहले तो आपको ब्रांड अकाउंट बनाना कैसे, ब्रांड अकाउंट जब आप बनाना सीख जाएंगे उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि मैनेज परमिशन कैसे करना है। हम सामने वाले को ऐड कर लेते हैं ताकि वो भी काम कर सके हमारे साथ, ठीक है। अब आती कम्युनिटी की बात। कम्युनिटी में क्या रहता है कि जो लोग आपके कमेंट्स जो पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पे रहती है। आप उनको किस तरह से सेटअप करके रखना चाहते हैं। अब मैंने आपकी सारी चीज़ कवर कर दी। अब हम चलते हैं फीडबैक में। फीडबैक में क्या होता है कि आप YouTube को क्या फीडबैक देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ कवर हो गई, यहाँ पे सारे ऑप्शंस कवर हो गए। अब आती है बात एक चीज़ की और, इसके अलावा और क्या फीचर्स हैं इस पे। तो अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप योर चैनल में जाएंगे, जैसे ही आप योर चैनल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपका चैनल दिखेगा। अब जो चैनल दिखेगा आपको यहाँ पे दो चीज़ दिखेगा, आप देख पा रहे हैं, एक कस्टम चैनल दिखेगा, एक यूट्यूब स्टूडियो। तो यूट्यूब स्टूडियो तो मैंने आपको दिखा दिया। आप ये बैक में यहाँ पे फ़ोटो लगा सकते हैं, ये देखिए जैसे कि मेरा ये लगा है, जिसको वर्ड आर्ट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप सामने अपना पिक लगा सकते हैं, ये देखिए प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पे कस्टम चैनल की बात करते हैं। सबसे पहले मैं कस्टम चैनल से जाने से पहले यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस करा दूँ, ये होम है आपका, ये वीडियोस रहेंगी सारी, प्लेलिस्ट रहेंगी सारी, कम्युनिटी रहेगी, कौन से चैनल आप मतलब कौन से चैनल को आप सब्सक्राइब किए हैं, चैनल्स रहेंगे आपके कौन से चैनल से, और अबाउट रहेगा आपके बारे में, ठीक है। और ये सब चीज़ सेट करने के लिए ही, जैसा आपको इंटरफेस अभी दिख रहा है, इस जिस तरह से अभी दिख रहा है, इस चीज़ को सेट करने के लिए ही एक्चुअली हम कस्टमाइज चैनल में जाते हैं। जब हम कस्टमाइज चैनल में जाएंगे तो यहाँ पर जाके आप सारा चीज़ एडिट कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए ये बैक पोर्शन, ये यहाँ पर फोटोज़। देन उसके बाद आप यहाँ पे ये देखिए ये लिंक दे सकते हैं लाइव, यहाँ पे डोनेट, यहाँ पे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर। देन उसके बाद आप यहाँ पर जा सकते हैं, कुछ चैनल टिप्स लगा सकते हैं अपने चैनल, कोई आपका दूसरा चैनल है तो वहाँ पे आप ये चैनल का नाम भी लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद करना कैसे है ये भी बता दूँ, पहले होम, आपको होम पूरा डिज़ाइन करना है, फिर वीडियोज़, फिर प्लेलिस्ट, फिर कम्युनिटी, फिर चैनल, फिर अबाउट। अबाउट में जैसे यहाँ आप जाते हैं, सब में आपको एडिट करने का ऑप्शन शो करेगा। देखिए जैसे कि ये यहाँ पे मैंने सारा चीज़ यहाँ पे अपने बारे में लिखा है, अपने चैनल के बारे में, यहाँ पे बिजनेस दिया है, ईमेल, लोकेशन है, और यहाँ पे लिंक्स दिया है। जो लिंक्स मैं यहाँ पे डाला हूँ वही लिंक्स ये साइड में शो कर रहा है, ठीक है। होम में आप जाएंगे तो होम में जैसे ही आप जाएंगे तो आप यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा नीचे इस तरह का, ऐड सेक्शन। ऐड सेक्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंटेंट दिखेगा। कंटेंट में जिस तरह से आप कंटेंट चूज़ करेंगे, फॉर द एग्जांपल मैंने चूज़ किया अपलोडेड, तो जैसे ही अपलोडेड यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए आपके सामने ये आ गया।
हॉरिजॉन्टल रखना चाहता हूँ या वर्टिकल। मैं सिर्फ वर्टिकल में क्लिक किया तो वर्टिकल हो गया, और अगर हॉरिजॉन्टल में किया तो हॉरिजॉन्टल हो गया। इस तरह से मैं करूँगा तब जाके इसको डन करूँगा, तो फिर वो भी नीचे शो करने लगेगा। बट अभी मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने पहले से प्री सेट करके रख चुका है पहले से। तो ये सारा चीज़ मैंने कवर किया। अब उसके बाद आता है वीडियो मैनेजर। यहाँ पर व्यूज़ देख सकते हैं, यहाँ पर अपना सब्सक्राइबर्स देख सकते हैं। अब वीडियो मैनेजर में आप क्लिक करते हैं तो वही पार्ट खुल जाएगा जो हमारा स्टार्टिंग में खुला था। तो क्यों? क्योंकि यही अपना अब थीम है। पहले क्या था, क्लासिक फॉर्म में आता था। क्लासिक फॉर्म में मतलब स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ थी उसमें, काफ़ी क्लियर इंटरफेस था। बट अब कुछ चीज़ एडवांस किया गया है, बट एडवांस में काफ़ी सारी चीज़ लैक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ इसमें हमने जो कवर की इस वीडियो में, शायद आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया। इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए OJPRT यूट्यूब चैनल के साथ। तो दीजिए एक सब्सक्राइब नीचे, और इसी तरह से हम आपको मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।